लोग क्लास 11th का एक्सरसाइज 13.1 और आपके चैप्टर का नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31 लेके आया हूँ। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इफ द फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइज लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एफ फॉर एक्स, यानी कि फंक्शन माइनस टू एफ फॉर एक्स माइनस टू डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू पाई, इवेलुएट लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ एक्स, यानी एफ एक्स मीन्स फंक्शन। तो स्टूडेंट हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, यानी इस एफ एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। बहुत ईजी है ये, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, हम लिखेंगे स्टूडेंट यहाँ सोल्यूशन, यहाँ से स्टार्टअप का होता है लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ एक्स हमें फाइंड करना है माइनस टू डिवाइड एक्स टेंड्स टू वन का मतलब एक्स की जगह वन रखेंगे, वन का एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, अब हम क्या लिखेंगे, एफ फॉर एक्स इजकल टू, यहाँ स्टूडेंट इक्वल का साइन है फिर पाई है तो लिखेंगे इजकल टू पाई, ओके। तो एफ एक्स माइनस टू डिवाइड वन का एक्स स्क्वायर वन माइनस वन इजकल टू पाई। यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते, अब देख लीजिए नीचे क्या हो गया, जीरो बचा। यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट एफ एक्स माइनस टू डिवाइड, नीचे क्या बच गया स्टूडेंट, नीचे क्या बच गया स्टूडेंट, जीरो, वन में से वन घटाएंगे तो जीरो इजकल टू पाई। अब आपको पता है स्टूडेंट हर नंबर के नीचे वन होते हैं, और जब वन होते हैं और जब इक्वल का साइन हो स्टूडेंट तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो एफ एक्स माइनस टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएंगे चीज़ें, एफ फोर एक्स माइनस टू इजकल टू पाई को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो, यानी कि एफ एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस टू है इक्वल के बाहर जाएगा तो प्लस टू हो जाएगा, और यही हो गया स्टूडेंट आपका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32, इसमें कह रहा है इफ एफ एक्स दे रखा है फॉर व्हाट इंटीजर्स m एंड n डज बोथ लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स एंड लिमिट एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट, यानी कि दो दो हमारे लिमिट दे रखे हैं और इसी में हमें बताना है कि कौन एग्जिस्ट करेगा और कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो हम सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा स्टूडेंट, लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या होगा स्टूडेंट, एक्स टेंड्स टू क्या होंगे, ए लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या होंगे स्टूडेंट, ए नेगेटिव, जीरो नेगेटिव, जीरो नेगेटिव, ठीक है स्टूडेंट। जीरो जब नेगेटिव होगा तो हमारे जीरो नेगेटिव का मतलब जीरो से छोटा, आप बताइए जीरो से छोटा कौन है, तो यही तो है, तो हमें यही तो लिखना होगा। बताइए स्टूडेंट क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, जीरो से पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, ये वाले हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो आप याद रखिएगा एफ एक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, यानी कि फंक्शन हमारे क्या होंगे, ये वाले फंक्शन होंगे, ठीक है, यानी कि जीरो से क्या है छोटा है तो ये वाले हैं। तो एम एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एन इजकल टू लिमिट, ठीक है, एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव का मतलब इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए होगा स्टूडेंट एन एक्स प्लस एम। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, एक्स की जगह जीरो रखिएगा तो क्या बचेगा, एन इजकल टू यहाँ क्या बचेगा, जीरो रखिएगा एक्स की जगह, ये एक्स है ना स्टूडेंट, ये एक्स है, जब एक्स की जगह आप जीरो रखिएगा तो क्या हो जाएंगे, एम हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि एन बराबर हो जाएंगे एम के, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। जब ये एग्जिस्ट करेगा तो एक और देख लेते हैं स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, ठीक है, याद रखिएगा आप, यहाँ पर देख लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट और यहाँ पर देख लिए हम राइट हैंड लिमिट। अब स्टूडेंट देख लीजिए यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या होगा, वन
नेगेटिव हो जाएगा। ये अब इसका कर रहा हूँ स्टूडेंट, अब तो ये वाले इसका मैंने यहाँ कर लिया, ठीक है, अब इसका कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है। और फिर क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट, लिमिट क्या होगा स्टूडेंट, लिमिट एक्स टेंस टू वन पॉजिटिव, और यहाँ भी हो जाएगा एफ एक्स। अब यहाँ देख लीजिए, वन से छोटा, वन से छोटा का मतलब कौन सा होगा स्टूडेंट बताइए, हमें कौन सा लेना होगा, हमें लेना होगा यही स्टूडेंट, ठीक है, एम एक्स प्लस एम, ठीक है, एम एक्स प्लस एम होगा, ठीक है, एम एक्स एन एक्स प्लस एम, ठीक है स्टूडेंट, एन एक्स, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, एन एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू वन नेगेटिव का मतलब ये हो जाएगा स्टूडेंट, एन एक्स प्लस एम इज इक्वल टू का साइन देंगे फिर, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन पॉजिटिव का मतलब हो जाएगा एफ एक्स, यानी कि एक से बड़ा, तो ये हो जाएगा एन एक्स क्यूब, एन एक्स क्यूब प्लस एन। अब देख लीजिए स्टूडेंट, अब हमें क्या करना होगा, यहाँ मेरा क्या बचेगा, यहाँ कुछ, यहाँ वन रखिएगा आप एक्स की जगह तो क्या बचेगा एन प्लस एम, और यहाँ भी हमारे क्या बचेगा वन रखिएगा तो एन प्लस एम बचेगा, तो इसका मतलब ये दोनों कट जाएगा तो जीरो इसका टू क्या आ गया जीरो। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, इसका मतलब ये होगा कि एनी वैल्यू बट, ठीक है, एम इसका टू एन, ठीक है स्टूडेंट, यही स्टूडेंट।